हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपस वाला। मैं हूं आपके एंकर मेनका जाट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया की एक और टॉप रैंकेड यूनिवर्सिटी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इस वीडियो में हम कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज, ड्यूरेशंस, एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया फॉर MBBS एडमिशंस, फॉर एडमिशन डेडलाइन, टोटल ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, जो हमारा पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको रशिया की टॉप 10 के अंदर आने वाली पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के लैंग्वेज, ड्यूरेशंस, आपका एडमिशन डेडलाइन, टोटल ओवरऑल। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ही पॉपुलर एंड लोकेटेड यूनिवर्सिटी है। इंडिया से ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS एडमिशन्स के लिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ ये 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रशिया की काफ़ी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये आती है। काफ़ी सारे इंडियन बैच इसमें से पास आउट हो चुके हैं एंड क्लिनिकल एक्सप्लोजर भी वन ऑफ द गुड है। सो बेसिकली कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को KSMU भी कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि ये कौन से सिटी में लोकेटेड है, तो रशिया का कजान सिटी ही है, काफ़ी फेमस एंड पॉपुलर सिटी है। तारास्तान करके शहर है, उसकी कैपिटल है कजान। वहाँ पर ये कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अगर यूनिवर्सिटी टाइप की मैं बात करती हूँ तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड इसकी ग्रेड की अगर मैं बात करती हूँ तो A+ ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। इसका जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो 1814 का है। मीडियम ऑफ स्टडी जो आपका होता है इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS का, वो ऑल ओवर आपका लाइक टोटल 6 ईयर तक फुल्ली इन इंग्लिश में ही होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया की, कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपका MBBS एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपका CBE यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका अप्रोक्स 65% होना चाहिए। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका 65% से नीचे होता है तो यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती। तो अप्रोक्स आपका जो CBE का परसेंटेज होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड इस यूनिवर्सिटीज़ में आपका MBBS एडमिशन लेने के लिए आपको IELTS एंड TOEFL का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है वो आपका रिक्वायरमेंट जो उनका है वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए, देन आप इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS के एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका ड्यूरेशन 5+1 का है। टोटल ड्यूरेशन है 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। रिकॉग्नाइजेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो NMC, WHO, ECFMG सर्टिफाइड है। आफ्टर कम्प्लीटिंग MBBS इस यूनिवर्सिटीज़ के बाद आप USAPG, USMLE भी कर सकते हो। इंडिया में आके आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो। अगर मैं बात करती हूँ कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसे कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स आपका 5000 to 6000 अप्रॉक्स इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में इंटेक कब अवेलेबल होता है, तो ओनली सितंबर इंटेक ही आपके पास अवेलेबल होता है। ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अप्रॉक्स ट्यूशन फ़ीस कितना है, तो 4,75,000 रूबल पर ईयर आपका ट्यूशन फ़ीस जाता है। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 48,000 आपका रूबल पर ईयर का अप्रॉक्स का हॉस्टल है एंड फूड का जो आपका जाता है वो 120 to 150 USD पर मंथ का जाता है। नोट फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मैथ्स अवेलेबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आप इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS का एडमिशन लेने के लिए अगर जा रहे हो या आप अप्लाई करने वाले हों, तो आपके लिए ये बता दूं मैं कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मैथ्स अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सेल्फ कुकिंग का ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको वहाँ पे जो आपके हॉस्टल्स होते हैं वहीं पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना खुद से खाना बनाकर खाते हैं। तो अप्रॉक्स अगर मैं फूड या ग्रॉसरी की बात करती हूँ तो अप्रॉक्स जो आपका एक्सपेंसेस उसका जाता है वो 120 to 150 USD जाता है पर मंथ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग खाना बना रहे हैं या कैसा क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करती हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ MBBS एट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से MBBS का स्टडी करने के लिए आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहली बात, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी सारे इंडियन बैच पास आउट हो चुके हैं, क्लिनिकल एक्सप्लोजर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा।
और अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हो, आप अगर रशिया में MBBS का स्टडी करने के लिए जा रहे हो और कोई गुड लुकिंग यूनिवर्सिटी अगर आप सर्च कर रहे हो, तो KSMU यूनिवर्सिटी आपके लिए वन ऑफ द गुड ऑप्शंस है। इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये स्टार्टिंग से ही इंग्लिश डॉट प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रही है KSMU यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं कि आपका लाइक ट्यूशन फ़ीस के अलावा ओवरऑल ऑल एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका अप्रॉक्स जो बजट जाता है वो आपका 30-35 लाख जाता है फॉर 6 ईयर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें आपका ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल एंड अदर चार्जेस टोटल ओवरऑल आपका इंक्लूड होता है। अगर मैं बात करती हूँ KSMU यूनिवर्सिटी की, तो ये रशिया का टॉप 10 के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज़ में से है बेसिकली, एंड क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे एफिलेटेड हॉस्पिटल्स आपको मिल जाता है एंड काफ़ी सारी फैकल्टी भी है इस यूनिवर्सिटीज़ में। सो कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप MBBS एडमिशन्स के लिए अगर देख रहे हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द गुड ऑप्शंस है। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिशन डेडलाइन फॉर कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के लिए जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो आपका मार्च टू जुलाई में होता है। देन आपका आफ्टर एप्लीकेशंस आपका एडमिशन्स लेटर, यानी कि आफ्टर जुलाई आपका 3-4 वीक्स का आपको टाइम लगता है एडमिशन्स लेटर के लिए। जब आपका एडमिशन्स लेटर आ जाता है तो आपको 4 वीक्स का टाइम लगता है, लाइक 4-6 वीक्स का फॉर इन्विटेशन लेटर के लिए। जो इन्विटेशन्स लेटर होता है वो जो रशिया का एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके साइड से इन्विटेशन्स लेटर आता है। देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन, इन्विटेशन, ये सब आने के बाद आपका 3 वीक्स का अप्रोक्स आपको वीज़ा स्टाम्पिंग का टाइम लगता है। जब आपकी ये ऑल दी स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल जो आपका स्टेप्स रहता है वो होता है आपका ट्रैवल टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके डिपार्चर्स का टाइम। तो जो आपका डिपार्चर्स का टाइम होता है वो स्टार्टिंग ऑफ सितंबर एंड मिड ऑफ सितंबर तक होता है। आफ्टर द डिपार्चर जब आप आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हो तो आपको 4-5 डेज के अप्रॉक्स टाइम लगता है यूनिवर्सिटीज़ में सेटल होने के लिए। लाइक वहाँ पे जाने के बाद आपका लोकल पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा, आपको हॉस्टल अलोकेट होंगे, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह होता है। तो टोटल ओवरऑल इसमें आपका 4-6 डेज का टाइम लगता है। देन इसके बाद फिर आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो आपका एंडिंग ऑफ सेप्टेम्बर एंड स्टार्टिंग ऑफ आपका अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS PG के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। PG ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट तो ये है कि आप इंडिया में आके नेक्स्ट के लिए अपेयर हो सकते हो, नीट PG जो अभी तक चलता हुआ आया है। साथ ही साथ में अगर अदर कंट्री से भी आप बात करते हैं तो आप अदर कंट्री से भी PG कर सकते हो। आप US से PG यानी कि USMLE के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लैब, MRCP, इन सारे PG ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जानना चाहते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS एडमिशन्स के लिए, तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। जब तक आप बने रहिए वीडियो पे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही अपकमिंग वीडियो में मैं आपके लिए और रशिया की टॉप रैंकेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।